आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में बोला गया एन इलेक्ट्रॉन बीम आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट इन अ वैक्यूम इज अलाउड टू इम्पिंज नॉर्मली ऑन अ फिक्स्ड सरफेस इफ द इंसिडेंट करंट इज 100 माइक्रो एम्पियर देन डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस अज्यूमिंग दैट इट ब्रिंग्स इलेक्ट्रॉन्स टू रेस्ट। ठीक है, पहले तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर 500 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक्सेलरेट कराया, उसके बाद जो एक सरफेस फिक्स सरफेस है उस पर इम्पिंज कराया नॉर्मली। तो देखिए एक सरफेस है उस पर एक इलेक्ट्रॉन है ई जो वी वेलोसिटी से आएगा और बाद में इम्पिंज होगा इस पर नॉर्मली टकराएगा तो बाद में एक फोर्स लगेगा उसकी वजह से जो करंट रन कर रहा है हमारा टोटल जो करंट रन कर रहा है इंसिडेंट करंट जिसे बोल रहा है वो है आई बराबर 100 माइक्रो एम्पियर और जो बाद में जब इस पर टकराएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ जा रहा है ऐसा बोला है अज्यूमिंग दैट इट ब्रिंग्स इलेक्ट्रॉन टू रेस्ट। ठीक है, तो हमें पता करना है फोर्स एक्सर्टेड। फोर्स होता है हमारा डीपी बाई डी टी। डीपी बाई डी टी मतलब के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और हमें पता है करंट आई दिया गया है, आई होता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू है 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 एम्पियर्स, ये हो गया 10 रेज टू पावर माइनस 4 एम्पियर्स। तो एक सेकंड में टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, टोटल चार्ज इन वन सेकंड कितना होगा, 10 रेज टू माइनस 4 कूलम्स होगा, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, चार्ज के फ्लो होने की रेट। तो अगर एक सेकंड में डी क्यू चार्ज जाएगा तो डी क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 रेज टू पावर माइनस 4, तो ये आ जाता है 10 रेज टू पावर माइनस 4 कूलम्स। अब तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन सेकंड कितना होगा, टोटल चार्ज इतना फ्लो कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 के बराबर। ठीक है, ये आ जाता है एन की वैल्यू हमारी 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 14 के बराबर। ठीक है, ये माइनस 4 माइनस 15 बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 10 रेज टू पावर 15 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 इंटू 10 रेज टू पावर 14 अपॉन 1.6 जो कि बन जाएगा 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 4 नहीं, ये आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब तक वो सरफेस पे पहुंचेगा तब तक उसके पास एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जिससे उसे एक्सेलरेट करवाया, वो आ जाता है ई इंटू वी के बराबर। वो एनर्जी हमारी जो एक्सेलरेट कराया जैसे कि ये इधर से चालू करता है इधर तक पहुंचता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस वी के बराबर है जो कि 500 वोल्ट्स है और उसकी वेलोसिटी यू मान लेते हैं। ठीक है, यू है वेलोसिटी, अगर वी वी में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख देंगे पी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी को मैं 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। PE जहाँ पे हमारा है मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, PE बराबर अंडर रूट ऑफ 2ME इंटू ई इंटू वी, वी जहाँ पे वोल्टेज है। ठीक है, ये आ जाता है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब वो सरफेस पे से टकराने वाला होगा उससे पहले उसका इतना मोमेंटम होगा। तो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वो कितना होगा, पी ई के बराबर होगा क्योंकि फाइनली तो रेस्ट पे आ गया तो मोमेंटम जीरो हो गया तो चेंज इन मोमेंटम पी ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम, तो वो हो जाएगा एन इंटू चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये उसके बराबर आ जाएगा क्योंकि एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, और ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन।
तो देखिए ये हो जाएगा टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड, वही तो आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, 6.25 इंटू 10^14 इंटू पीई, जो चेंज इन मोमेंटम है वो अंडर 2 ME इंटू ई इंटू वी के बराबर। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा 6.625 इंटू 10^4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा 9 इंटू 10^-31 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10^-19 और हमारा वोल्टेज है जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया था वो 500 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए ये 10^-31 और -19 बना लेगा हमारा 10^-50 के बराबर। ठीक है, ये एक्चुअली 14 है, 10^-50 बाहर आ जाएगा 10^-25 बन के। ठीक है सर, ये 6.25 है सिर्फ, तो ये बन जाएगा 6.25 इंटू 10^14 इंटू 10^-25 इंटू अंडर रूट 9 बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एक जीरो इसको दे दूं 500 का, ये 16 बन जाएगा, 16 बाहर आ जाएगा 4 बन के, तो अंदर बचा 2 × 50 जो कि 100 हो जाता है, जो कि 10 हो जाएगा। तो ये फाइनली अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो आ जाता है 15/2 × 10^-9 न्यूटन के बराबर। यह आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 4 का। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।